सब्सक्राइब कीजिए नो इन शॉर्ट चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों हम सभी हैशटैग्स का यूज करते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई दूसरा सोशल नेटवर्किंग साइट हो। रिसेंटली यूट्यूब ने भी हैशटैग का फैसिलिटी एनेबल कर दिया है, लेकिन क्या आप हैशटैग सही तरह से यूज कर पाते हो? एक हैशटैग का एक्चुअल यूज क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एक हैशटैग क्या है, क्या क्या एक हैशटैग का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिस हैं जो आपको एडॉप्ट करना चाहिए, जिसको एडॉप्ट करके आप हैशटैग का कंप्लीट बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक हैशटैग क्या है। एक हैशटैग एक वर्ड हो सकता है या फिर एक फ्रेज हो सकता है। मतलब हैशटैग एंड्रॉइड एक तरह का हैशटैग है, उसी तरह से अगर मैं अपने साइट का बात करूं तो नो इन शॉर्ट एक फ्रेज है, अगर उसको सामने में हैशटैग यूज करता हूं तो वो एक हैशटैग बन जाता है। जब भी आप एक वर्ड या फ्रेज के सामने हैशटैग यूज करते हो तो वो एक क्लिकेबल लिंक बनता है। इसका बेनिफिट क्या होता है? लेट्स से आप किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने कुछ अपना कंटेंट पोस्ट किया है, कोई वो आर्टिकल हो सकता है या फिर यूट्यूब में कुछ वीडियो हो सकता है, लेकिन इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कोई ब्लॉगर है, कोई अपना आर्टिकल लिख रहा है, कोई इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहा है, सब उस सपोज एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अलग अलग कंटेंट पब्लिश कर रहा है और आप एक व्यूअर हो और चाहते हो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो भी पोस्ट इंटरनेट में आया है सब कुछ आप फॉलो करें, लेकिन अगर हैशटैग नहीं होता तो आप के लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप एक पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड हर पोस्ट को आप देख पाए, क्योंकि हर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते या फिर हर एक ब्लॉग या आर्टिकल को आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर वो अपने पोस्ट में या फिर वीडियो में उस हैशटैग को यूज करते हैं तो जैसे ही आप उस हैशटैग को क्लिक करोगे तो उस हैशटैग से रिलेटेड जितने पोस्ट होंगे वो आपको एक ही जगह मिल जाएगा और आप उसको इजीली फॉलो कर पाओगे। तो इससे क्या होगा कि जो कंटेंट होगा वो इजीली एक्सेसिबल होगा व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कंटेंट क्रिएटर है उसको भी हेल्प होगा कि वो इजीली अपने जो पोस्ट है वो व्यूअर्स तक पहुंचा सके। तो हैशटैग का बेसिक यूज यही है। अभी बात करते हैं कि एक हैशटैग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। सबसे पहले एक हैशटैग तो शॉर्ट एंड यूनिक होना चाहिए, दूसरा ये मेमोरेबल होना चाहिए एंड नैरोली फोकस्ड होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे रिसेंटली जो एक हैशटैग बहुत पॉपुलर हुआ था मी टू, आप उसको देख सकते हैं कि वो काफी शॉर्ट है, मेमोरेबल है, यूनिक है एंड एक वो पर्टिकुलर सिचुएशन को डिनोट करता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो आपको एडॉप्ट करना चाहिए ताकि आप हैशटैग का फुल बेनिफिट उठा पाए। सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक हैशटैग नैरोली फोकस होना चाहिए, तो लेट्स से आपने एक MI Pro 6 मोबाइल का आपने रिव्यू डाला हुआ है, अगर उसमें आप हैशटैग यूज करते हैं कि रिव्यू ऑफ मोबाइल तो वो नैरोली फोकस नहीं है। हाँ, आपने मोबाइल का रिव्यू तो किया है लेकिन आप पर्टिकुलरली MI Pro 6 का आपने रिव्यू किया है तो आपको हैशटैग यूज करना चाहिए कि रिव्यू ऑफ MI Pro 6 जो कि नैरोली फोकस्ड है एंड स्पेसिफिक है। दूसरा है कि आप जब भी हैशटैग्स का यूज करते हो तो आपको ट्राई करना चाहिए कि जो मेन पोस्ट है उसमें आप कम से कम हैशटैग का यूज करें। जैसे कि लेट्स से आपने ट्विटर में एक पोस्ट डाला है, अगर उसमें आप बहुत सारे हैशटैग्स डालोगे तो वो स्पैमी देखता है, दूसरा है कि वो मेन जो कंटेंट है उससे फोकस डाइल्यूट करता है। तो इसीलिए आप जो मेन पोस्ट होगा उसमें आप 2-3 हैशटैग का यूज करें एंड जो रिमेनिंग हैशटैग्स हैं वो प्रेफरेबली आप कमेंट में डालिए। इससे एडिशनल बेनिफिट ये भी होगा कि कुछ को सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया या फिर टम्बलर हो गया जिसमें आप पोस्ट को एडिट कर सकते हो, लेकिन ट्विटर आपके पोस्ट को एडिट नहीं करने देगा। इसीलिए अगर आप उसमें ज्यादा हैशटैग्स का यूज करते हो या फिर कोई इरिलेवेंट हैशटैग का यूज करते हो तो आप उसको फिर से एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उसको आप कमेंट में डालेंगे तो इजीली आप उस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं और आपका जो पोस्ट होगा वो इंटैक्ट रहेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप्स है कि हमेशा पॉपुलर हैशटैग्स का यूज करना चाहिए। पॉपुलर हैशटैग को यूज करने से आपका जो आर्टिकल होगा या फिर पोस्ट होगा उसका विजिबिलिटी बढ़ने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन इसमें एक एडिशनल टिप्स यही है कि लेट्स से आपने एक पर्टिकुलर पॉपुलर हैशटैग को अगर आप इंस्टाग्राम में डाल के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उस पर्टिकुलर हैशटैग में कितने सारे पोस्ट हैं। अगर ऐसे केस में आप उस पर्टिकुलर हैशटैग को यूज करके अपना पोस्ट डालते हो तो आपका पोस्ट हो सकता है कि काफी नीचे चला जाएगा और विजिबिलिटी नहीं रहेगा। इसलिए हैशटैग यूज करने का बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अगर सपोज आपने 20 हैशटैग्स का यूज किया है तो ट्राई कीजिए कि उसमें से 40% जो हैशटैग होगा वो पॉपुलर हैशटैग्स होगा, 30% थोड़ा सा मीडियम पॉपुलर जो हैशटैग्स होंगे उसको यूज कीजिए एंड लेस 30% आप बिल्कुल जो पॉपुलर नहीं है जिसमें सपोज 60 या 40 पोस्ट हैं ऐसे हैशटैग्स को यूज कीजिए। ऐसे टेक्निक्स को यूज करने से
से आपके पोस्ट का विजिबिलिटी का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा और आप हैशटैग का कंप्लीट बेनिफिट उठा पाओगे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से मैं हैशटैग के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाया हूं एंड वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को क्लिक करें, अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मैं मिलता हूं एक नए टेक वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।